Apart from being a student, father of two cats, and a part-time pizza toastne wala, I am also a YouTuber. पर मैंने कभी अपनी identity reveal नहीं करी. There are some channels जो ये claim करते हैं, this is my real picture or I have seen Kirti in real life. Most of them are fake. I mean, ऐसे कुछ instances रहे हैं जहाँ पे I have talked to some people on Facebook or sent actual pictures of myself क्योंकि मुझे दोस्ती करनी थी. उनमें से आधे लोगों ने तो ब्लॉक कर दिया मुझे. एनीवेज, तुम लोगों को अपना पहला बाइक राइड याद है? एक्सीलेटर घुमाने के बाद कैसा मिनी हार्ट अटैक आता है, समझ नहीं आता कि पहले किसको संभालूं, ब्रेक, क्लच या अपने गुप्ते. बस उसी की जगह मुझे विजुअलाइज कर लो. जो पुराने फॉलोअर्स है वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं. आई स्टार्टेड एज अ शिट पोस्टिंग चैनल. इट्स स्टिल अ शिट पोस्टिंग चैनल दो. ओवरऑल मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये आगे जाके इतना बड़ा हो जाएगा. मैं इसे नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा. ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू गाइस. इट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस टू हैव सच अ लवली ऑडियंस. You know, fame is something like an infatuation. तुमको तब तक इंटरेस्ट रहता है जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता. For example, स्कूल लाइफ में जब मेरे फेसबुक फोटो पे 100 लाइक्स बन जाते थे तो खुद को किसी स्टार किड के नवाब से कम नहीं समझता था. तुम लोगों को पता है निशा क्लास की सबसे हॉट लड़की, एकदम 10 out of 10, उसने मेरा फोटो लाइक किया है. पर निशा तो फेसबुक पे है ही नहीं ब्रो. अरे वो छुप छुप के देखती है मुझे और क्या. सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को. इमेजिन करो कि कल तक तुम एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जी रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन एक भीड़ इकट्ठा हो गई है जो तुम्हारे हर एक एक्शन, वर्ड्स और छोटी छोटी डिटेल्स पर नजर गड़ाए हुए है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए डिटेंशन सेंटर बट वर्ड्स. तब वैलिडेशन को सफोकेशन बनने में देर नहीं लगती. तो फिर क्या था, मैंने असमंजस में आके अपने सारे फोटोज डिलीट कर दिए. सोचा कि इस कैरेक्टर को एक ब्रिज जैसा बनाऊंगा अपने और अपने ऑडियंस के बीच. इसी तरह मैंने एक मेजर पोर्शन ऑफ ऑडियंस को तो अवॉइड कर लिया. ऑफ कोर्स देयर वेयर सम लीकेजेस लाइक रैंडम स्ट्रेंजर्स लैंडिंग ऑन टू माय फोन नंबर एंड भगवान जाने कैसे 2-3 लोगों ने फेस टू फेस भी गेस वर्क कर लिया. आर यू कीर्ति फ्रॉम कीर्ति चाओ? Kirti of Kirti Chao? What the fuck does that even mean? Oh my god, tumhari to awaaz bhi same hai. Okay, theek hai, but can I take a song? No. Now, जैसे जैसे फेस रिवील का हाइप बढ़ते गया वैसे वैसे पीपल स्टार्टेड टू स्पेक्युलेट कि मैं कैसा दिखता हूंगा या हूंगी. एंड दे इनहेरेंटली स्टार्टेड इक्वेटिंग माई लुक्स विद माई एनिमेटेड कैरेक्टर. सीरियसली, तुम लोग को लगता है एक 22 साल का डिप्रेस्ड मैन चाइल्ड ऐसा दिखता होगा? अपने कन्वीनियंस के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि व्यूज के लिए फेक पेट्रियोटिक एंथुसियाज्म दिखाना या 10 बच्चे पैदा करके उसे भगवान की इच्छा बताना. ये कैरेक्टर मैंने ऐसा बनाया था क्योंकि ड्रॉ करने में मेरी कन्वीनियंस थी. अब जिन लड़कियों का ये सुनके दिल टूट गया है, डोंट वरी, आई एक्चुअली लुक बेटर देन दिस, प्रोवाइडेड यू डोंट हैव ए फेम बॉय प्लशी फेटिश. इसलिए पिछले कुछ वीडियोस से मैं अपने रियल कैरेक्टरिस्टिक्स को इस कैरेक्टर में डालने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट्स द बेस्ट दैट आई कैन डू. बीइंग अ यूट्यूब एनिमेटर इज नो जोक. तुम्हें अपने स्किल्स और एफिशिएंसी दोनों पे ध्यान देना पड़ता है. स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जिसने मेरे क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काफी मदद करी है. ए चल चल, इन ऑनलाइन क्लासेस से कुछ नहीं होता, मुझे पता है. यहाँ पे तुम टॉप इंडस्ट्री आर्टिस्ट्स एंड प्रोफेशनल्स के क्लासेस अटेंड कर सकते हो. एंड सिर्फ एनिमेशन ही नहीं, कुकिंग शुकिंग से लेके कोडिंग तक और अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स से लेके सोशल स्किल्स तक.
जिसकी तुझे बहुत जरूरत है। तुझे कैसे पता? और सिर्फ यही नहीं, सारे क्लासेस छोटे सेक्शंस में डिवाइडेड है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, ऊपर से कोई एड्स भी नहीं है, सो देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, करेंटली मैं आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ट्रैकिंग एंड कॉम्पोजिटिंग जैसी चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो विद द प्राइस ऑफ जस्ट लेस देन 1800 एनुअली, विच मेक्स इट 150 rupees पर मंथ, तुम अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। इतने में तो आजकल चाय नाश्ता भी नहीं आता। चल चल, मेरे पास इतने पैसे होते तो तेरे वीडियो में होता। अच्छा बेटा, अगर मेरी जगह लेना है ना तो स्किल शेयर ज्वाइन कर, पहले 1000 यूजर्स को मिलेगा 1 month फ्री ट्रायल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो आई एम डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दोस गाइस जो फेम हैंडल कर सकता है। ऊपर से आई एम मोर ऑफ अ बैक स्टेज पर्सन। कितना मिल करेगा भाई? ए तू चुप रह बे, दिस इज बिजनेस। बैक स्टेज से मेरा मतलब है मुझे एक्चुअल एक्शन से ज्यादा किक मिलती है रादर देन बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तुम्हारे पास कुछ पिन पॉइंट करने के लिए रहना चाहिए ना कि ये मैंने बनाया है, दिस इज माय क्रिएशन, जो तुम्हारे पापा तुमसे कहते हैं जब उन्हें बहस में और कोई पॉइंट नहीं मिलता। वहीं एक नॉमिनल पोस्ट में इट्स जस्ट यू, नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। ये फिल्टर्स का थ्रीसम किसी को नहीं देखना पसंद। और वैसे भी अगर तुम एक लड़के हो तो द एंटायर एडजेक्टिव डिक्शनरी इज इररिलेवेंट फॉर यू। घुमा फिरा के वही 2-3 गालियां और उधार के पैसे कब लौटाएगा, यही कमेंट आने वाला है। सिंपल भाषा में बोले तो आई वुड रादर बी द फोटोग्राफर देन एक्चुअली बी इन द फोटोग्राफ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फोटोजेनिक हूँ, बट ग्रुप फोटोज और मैंडेटरी पासपोर्ट फोटोज के अलावा द वेरी प्रेजेंस ऑफ कैमरा इज एनफ टू इन्फ्यूरिएट मी। मैं बहुत ही हिपोक्रिटिकल साउंड करने वाला हूँ, बट या आई डू ओन अ DSLR myself। आई नो हुआ ये कि मैं मॉल गया था अपने चश्मे का फ्रेम बदलने और ये डिस्प्ले पे रखा हुआ था, एंड आई जस्ट couldn't resist। जिसको मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि उसमें रैंडम बिल्लियां और मेरी अधनंगी फोटोज के अलावा और कुछ नहीं है, एंड कुछ फोटोज इस भद्दे जानवर की भी है। एंड दैट्स ऑल्सो अनदर रीजन, फेमस होने के बाद यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पजामा और हवाई चप्पल का सुख नहीं मिलने वाला। और वैसे प्रेजेंटेबल ना दिखना कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए इट्स मोर अबाउट द यूटिलिटी। अगर मैं कोई ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे देर इज अ मिनिस्क्यूल चांस ऑफ मी गेटिंग लेड, तुम्हें मेरा एक अलग रूप दिखेगा कंपेयर्ड टू इफ। चल तैयार हो जा, मौसी ने हमें सेक्सिस्ट जोक्स और कजन्स का कंपैरिजन करने फैमिली गैदरिंग में बुलाया है। अगर नहीं गए तो उन्हें लगेगा हमें पैसों का घमंड है। इज इट रियली वर्थ इट? खैर ये तो सरफेस लेवल की बातें हो गई। सब सरफेस लेवल पे इट्स मोर अबाउट ए डाइकॉटमी बिटवीन माई रियल सेल्फ एंड वर्चुअल सेल्फ। जब तुम्हें एक नीश ऑफ ऑडियंस फॉलो करती है, व्हाटएवर मे बी द साइज ऑफ योर इन्फ्लुएंस, चाहे वो 100 लोग हो या 1,00,000, तुम्हें हर वक्त एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना पड़ता है। क्योंकि इंटरनेट पर तुम जो भी देखते हो, दैट इज अ जापानीज, आई मीन सेंसर्ड वर्जन ऑफ समवन। इवन ब्लूपर्स में भी वही सीन्स दिखाते हैं जहां वो अच्छे दिख रहे हैं। बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कोई भी कॉमेडियन हर वक्त फनी नहीं होता, ना ही तुम्हारी फेवरेट इंस्टा थॉट ई गर्ल हर वक्त सुंदर दिखती है, और ना ही तुम्हारा फेवरेट कोट एंड कोट न्यूट्रल पॉलिटिकल चैनल अपने रियल लाइफ में अनबायस्ड है। तुम कितने भी बड़े ह्यूमिडिटी सपोर्टर, पॉलिटिकली करेक्ट वोक बहन हो, तुमको भी कभी ना कभी किसी ऑफेंसिव जोक पे हंसी आई होगी, एंड दैट्स इनएविटेबल। हम अक्सर ये चीज भूल जाते हैं जब किसी को कैंसिल करने की बारी आती है। आउट ऑफ ऑल द थिंग्स, तुम्हारी मम्मी के ताने इस एरिया पे जरूर अप्लाई होता है, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया बूम होने के बाद हमने उस प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ के रिफ्ट को खत्म कर दिया है। सबसे बड़ा रीजन ऑफ कैंसल कल्चर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। If you do anything wrong in your life, then I find out about it, I'm going to try to take everything away from you. And I don't care what I find out. Could be today, tomorrow, 15, 20 years from now. If I find out, you're finished. आज अगर मार्केट में किसी पॉलिटिशियन के डिवोर्स की खबर फैलती है तो बेचारा इलेक्शंस भी हार जाता है। देखो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है, जो सोचा है तुमने सोचा है। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ही ऑपोजिट हूँ। कई लोगों का मानना है कि मैं अपेरेंटली इंट्रोवर्ट होने का ढोंग करता हूँ। अगर मुझे ढोंग करना ही था तो मैं इंट्रोवर्ट ही क्यों चुनता?
मैं स्टड होने का भी ढोंग कर सकता था टू गेट सम पुट्टी इन माय डीएम्स। ये लोग फिर भी बेटर है मालूम, कंपेयर टू द पीपल जिनको मैं रियल लाइफ में जानता हूं। अरे ब्रो, तू तो यूट्यूब में बिल्कुल डिफरेंट साउंड करता है यार। यार तू रियल लाइफ में बड़ा चुपचाप रहता है। लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू? तुझे क्या लगता है यूट्यूबर्स हर टाइम? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ऐसे बात करते हैं। पर्सनालिटी बेस्ड चैनल्स जैसे कि व्लॉगर्स, एनिमेटर्स, इनके रियल सेल्फ और इंटरनेट सेल्फ का गैप नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि पर्सनालिटी कोई एक्सेंट नहीं है जिसको फेक करके तुम खुद को एनआरआई डिक्लेयर कर सकते हो। नाउ ऐसा कोई इंसान जिसके प्राइवेट लाइफ के बारे में तुम्हें इतना ज्यादा पता है, उसे कैंसिल करना इजी है कंपेयर टू दोस ट्रेंडिंग पेज के चोचले जो 10 गुना ज्यादा व्यूज लेके बैठे हैं पर उनके बारे में किसी को घंटा कुछ नहीं मालूम। कंसिडर इट अ सेफ्टी वॉल। जैसी मेरी हरकतें हैं, कल को अगर मैं कैंसिल होता हूं तो आई विल स्टिल बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ अवे फ्रॉम दी आईटी सेल वाले गुंडे, विच ऑल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम कि मैं वो बातें बोल सकता हूं जो बाकी बोलने से पहले शायद दो बार सोचेंगे। सर, स्विगी आ गया आपका। टू कंक्लूड, आई थिंक मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूं अभी इस चीज के लिए। आई नो मैंने आफ्टर 500 के लिखा था, मैं उसे आफ्टर 1 मिलियन भी लिख सकता था। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आज नहीं तो कल फेस कैम जरूर करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे क्रश की तरह तुम्हें झूठे होप्स नहीं देना चाहता। हाउएवर, वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर मैं फेस रिवील करता हूं तो आई विल डू इट लेजिटिमेटली, मतलब प्रॉपर आऊंगा कैमरा के सामने। ये वाला चुतिया आप नहीं करने वाला मैं। ओके, आई थिंक दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ऐसे कौन करता है यार? डोंट यू फील प्राउड ऑफ मी? मेरी वजह से यू आर पॉपुलर ऑन यूट्यूब। What the f*** is wrong with you?